नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आपके सामने उपस्थित हूँ आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक के साथ। इसका पार्ट ए हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था, अब हम इसका पार्ट बी देखेंगे। तो पार्ट ए में हमने क्या किया, पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर केमिकल रिएक्शन एंड द चेंज अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस, सिंबोलिकल रिप्रेजेंटेशंस वगैरह जो है हमने डिस्कस किया था, इसमें इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इस पार्ट में डिस्कस किया था कि बैलेंसिंग क्या होता है, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उसके बारे में कुछ सीखा था हमने। उसके बाद आज हम हाजिर हैं आपके सामने इसकी बी पार्ट को लेकर के। बी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है जोड़ना, यानी इसमें हम कुछ जोड़ करके, यानी कुछ रिएक्टेंट्स को जोड़ करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। इट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड अ प्रोडक्ट is formed, that is known as chemical combination reaction। क्या होगा कि combination chemical reaction में दो या दो से अधिक reactant जो है वो मिल करके एक product को बनाएंगे, combination reaction के हम types की बात करें तो हम इसके तीन तरह के example ले सकते हैं। First होगा एलिमेंट एंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, कार्बन इज एन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन ऑल्सो एन एलिमेंट एंड कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसे बनेगा। सेकेंड बी पार्ट में हम लेंगे इसमें एलिमेंट विद द कंपाउंड, एलिमेंट विद द कंपाउंड कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक सल्फर डाइऑक्साइड एंड गिव टू ऑक्साइड दिस, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड हेयर। फिर जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस सल्फर बाय टू एंड नाउ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हेयर सिक्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर देयर एंड टू सल्फर आर देयर, हेयर ऑल्सो टू सल्फर एंड ऑक्सीजन, टू टू जा फोर प्लस टू सिक्स। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एलिमेंट विद कंपाउंड। थर्ड पार्ट वी हैव डिस्कस्ड, थर्ड पार्ट एंड दैट इज कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। तो कंपाउंड, देयर इज अ कंपाउंड दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड वी पुट सम वाटर इन इट, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस किया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, a product is formed. Types of combination reaction is element and element combination,
that is carbon plus oxygen and carbon dioxide is formed. Element with compound, this is compound sulfur dioxide plus oxygen, this is an element, then sulfur trioxide is formed. In third part, compound and compound, calcium oxide is a compound and water also a compound, then calcium hydroxide is formed. So this is chemical, first type of chemical reaction. Now we discuss second type of chemical reaction, that is decomposition reaction. Second type of chemical reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction. Decompose का मतलब होता है टूटना. A product is convert into two or more substances. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्ट उल्टा रहता है ये, इसका रेसिप्रोकल भी हम बोल सकते हैं. इसमें क्या होगा, अपने को एक प्रोडक्ट गिवन होगा और उसको जैसे हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो वो नए दो, यानी उसे दो या तीन, दो या दो से ज्यादा भी मैंने लिखा है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज ए पार्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होगा, अपने पास है फेरस सल्फेट FeSO4. इस फेरस सल्फेट को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी सिर्फ इसको हम गर्म करेंगे तो इसका जो कलर है ना वो होता है ग्रीनिश ब्लू कलर होगा इसका. और ये ग्रीनिश ब्लू कलर जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो ये Fe2O3 बनाएगा प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यहां से जो गैसेस हैं वो रिलीज होंगी और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा. इसको हम इसका कलर बन जाएगा ब्राउन और ज्यादा यदि हम इसको गर्म कर देंगे तो ये ब्लैक भी बन सकता है, ब्लैक बनेगा. तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो यहां से रिलीज होंगी थर्मल डीकम्पोजिशन के अंदर से. उसके बाद में इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस जो वर्ड है इसका मतलब हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इसमें से जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी का जो है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ही बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम इसको चेंज करेंगे. कैसे, हमारे पास है वाटर H2O, जब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें से पास होगा तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाएंगे. ये बैलेंस होगी केमिकल इक्वेशन. तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. थर्ड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलिसिस. फोटो मींस क्या होता है, सनलाइट. फोटो मींस सनलाइट. हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर प्लस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें से क्लोरीन गैस जो है वहां से रिलीज होगी और ये एक केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी हमारे पास. तो सेकेंड टाइप ऑफ कंपोजिशन रिएक्शन इज अ प्रोडक्ट इज डीकम्पोज. एक प्रोडक्ट जो है वो डीकम्पोज हो जाता है, यानी टूट जाता है. टूट करके वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जो है वो उसमें बनेंगे.
उसको बोलते हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप होगा आपका थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्म का मतलब होता है हीट, हम उसको हीट प्रोवाइड करें. थर्म जो है उसका मतलब होगा हीट, यानी कोई भी सब्सटेंस है अपने पास, जैसे हमने लिया फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे तो फेरस ऑक्साइड बना प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन. सेकेंड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोलिसिस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर सेम. हम पानी में से यदि करंट को पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाते हैं. यहां पर भी डीकम्पोजिशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. थर्ड जो टाइप है दैट इज फोटोलिसिस. फोटो मीन्स सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में यदि हम इस कंपाउंड को रखेंगे दैट इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को यदि हम बाहर धूप में रख देंगे तो वो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड जो है वो उसमें से गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है. तो ये हमने सेकेंड जो टाइप है वो डिस्कस किया, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ वी एक्सप्लेन थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यू कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पर हम थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करेंगे. जो मेटल्स हैं वो कुछ ऐसी हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है. कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, सिल्वर गोल्ड जैसे जो मेटल्स होंगे वो लीस्ट रिएक्टिव में काउंट होते हैं. तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द कंपाउंड ऑफ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसमें हमने एक आयरन की नेल को रखा. जब आयरन की नेल को हम इसमें रखते हैं तो ये क्या करेगा, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये बनाएगा इससे अपना कंपाउंड बना लेता है FeSO4 प्लस, कॉपर को बाहर निकाल देता है. कॉपर जो है वो यहां से बाहर निकालेगा. ये तो हम गैसियस के लिए यूज करते हैं, इसमें आप ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जो आयरन नेल है उसके ऊपर सारा कॉपर डिपॉजिट हो जाता है. इसमें कुछ चेंज भी आएगा, वो चेंज क्या रहेगा, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट. आयरन डालने के बाद में इसका जो कलर होगा वो रेडिश ब्राउन बन जाता है. रेडिश ब्राउन कलर जो है वो बनेगा इसमें. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इन्होंने क्या किया, रिएक्शन से डिस्प्लेस कर दिया है. अब कॉपर सल्फेट था यहां पे, कॉपर ने कंपाउंड बनाया हुआ था, बट आयरन ने क्या किया, इसने कॉपर को यहां से बाहर निकाल दिया और खुद को इसके साथ में कंबाइन कर लिया. तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप रहेगा अपना, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहां तक हो गया, इसको मैं अब इरेज कर देता हूं. उसके बाद लास्ट टाइप जो है वो हम डिस्कस करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर डबल डिस्प्लेस हुआ, यानी यहां हम दो तरह के एलिमेंट्स यूज करेंगे, दो तरह के कंपाउंड को यूज किया जाएगा. ये कंपाउंड एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तब हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट इज अकर्ड. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं. जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रलाइजेशन. इसमें हमें न्यूट्रल कर देते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक अपने पास होगा एसिड, एक हम लेंगे बेस. एसिड और बेस को जब मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा. साथ में ही हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट का. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है
is an also an example of double displacement reaction. तो एसिड है अपने पास HCl, इसमें मिक्स कर दिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस, तो हमें क्या मिलेगा NaCl. NaCl जो कॉमन सॉल्ट है वो बनेगा प्लस वाटर बनेगा. इसमें क्या हुआ, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है. अब हाइड्रोजन क्या सोचता है कि अब इसने इसको डिस्प्लेस तो कर ही दिया है तो ये इसके साथ में कंपाउंड बना लेगा, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका जो सेकंड एग्जांपल लेंगे हम वो होता है आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं. वो क्या होगा, अपने पास एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड के अंदर हम मिक्स कर देंगे सोडियम सल्फेट. जैसे ही इसमें हम सोडियम सल्फेट मिक्स करेंगे और कुछ टाइम के लिए इसको रखा जाएगा लेबोरेटरी में, आसानी से हम कर सकते हैं, तब इसके बाद हमें क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट मिल जाता है. बेरियम सल्फेट मिलेगा प्लस में जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मिलेगा अपने को NaCl. बेरियम सल्फेट बना NaCl के साथ में कंबाइन हो जाता है. अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं या बैलेंस नहीं है, पहले वाली जो रिएक्शन है वो अपनी बैलेंस है बट इसमें थोड़ी सी कमी मुझे नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर Cl अकेला है तो यहाँ हम 2 कर देंगे. 2 पुट करने के बाद में सोडियम यहाँ 2 हो जाते हैं, सोडियम यहाँ पर भी 2 है अपने पास, तो बाकी सब बैलेंस है बट यहाँ थोड़ा सा रह गया था इसमें. तो दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, ये जो बेरियम सल्फेट होगा ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी तलहटी में जो वेसल आप यूज करोगे उसकी तलहटी में ये इकट्ठा हो जाता है जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी जो है इसका एक एग्जांपल रहेगा. थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं जिसके अंदर अपना आएगा गैस फॉर्मिंग. गैस फॉर्मिंग एग्जांपल, गैस फॉर्मिंग एग्जांपल जो रहेगा, गैस कैसे रिलीज होगी. अपने पास होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा. यह है बेकिंग सोडा जो हम यूज करते हैं खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें पकोड़े जो बनाए जाते हैं क्रिस्पी पकोड़ास के लिए यूज किया जाता है. इसमें मैंने मिक्स कर दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स कर दिया मैंने. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करने के बाद में मुझे क्या मिला, NaCl मिला प्लस वाटर मिला और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से रिलीज हो रही है. यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, देखो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इस सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वहां रिलीज हो रही है हाइड्रोजन के साथ में. यहां सीएल था पहले तो अब क्या बन गया, ओ आ गया तो वाटर बन गया, तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने डिस्कस किया, फर्स्ट पार्ट था इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने एसिड और बेस का एग्जांपल लिया जिसमें HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिनको हमने यूज किया तो सोडियम क्लोराइड बना प्लस वाटर रिलीज हुआ. केमिकल इक्वेशन भी इसमें न्यूट्रल हो गई और साथ में हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल भी मिल गया. उसके बाद नेक्स्ट था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड लिया हमने इसके अंदर सोडियम सल्फेट को मिक्स किया तो बेरियम सल्फेट प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हमें मिला तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी साथ में तो डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है. गैस फॉर्मिंग रिएक्शन किया हमने फिर दैट इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जो है उसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तब हमें सोडियम क्लोराइड मिला प्लस वाटर मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला. यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन अपना कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये एग्जांपल हुए. उसके बाद में कुछ और एग्जांपल है हमारे पास या कुछ और रिएक्शंस हैं जिनके अंदर हमें एनर्जी की जरूरत होती है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी पर बेस्ड कुछ केमिकल रिएक्शंस को अब हम डिस्कस करेंगे. तो उन पर बेस्ड जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इनके एग्जांपल मैं अपनी बॉडी से रिलेटेड ही दूंगा. सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सो
थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है यानी जिसमें हीट रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, इसमें हीट रिलीज होती है। तो वो एग्जांपल अपने पास है C6H12O6, ये ग्लूकोज है जो हम खाते हैं जो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट का फॉर्मूला रहेगा C3H4O3, दिस इज पाइरूवेट। और ये पाइरूवेट जब कन्वर्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस वाटर बनता है और प्लस बनेगी ATP। ATP क्या है? एनर्जी है। जो एनर्जी हम रिलीज करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्टोर की जाती है यानी दैट इज रेस्पिरेशन। तो आप ये बोल सकते हो कि रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल है वो एक्सोथर्मिक होता है। रेस्पिरेशन का जो एग्जांपल रहेगा वो एक्सोथर्मिक है। अब हम सेकेंड जो पार्ट है जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होगा? जिसमें हीट अब्सॉर्ब होगी, इसमें क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। हीट जहां पर रिलीज होगी और यहां पर हीट अब्सॉर्ब होगी, तो हीट इज अब्सॉर्ब इन द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम। अपने पास है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में वो और क्लोरोफिल उनके पास होता है पहले से ही, तो वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ये हो गया ग्लूकोज C6H12 और O6। और प्लस रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। इन्होंने सनलाइट से क्या ऑब्जर्व किया? हीट, हीट को ऑब्जर्व किया है। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम केमिकल इक्वेशन जो है अपनी। तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन जो है वो 12 है बट यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास ऑक्सीजन हो जाते हैं यहाँ पे 6 और 2 8, बट यहाँ पर अपने पास है 6 और 2 8, दैट इज करेक्ट। बट यहाँ जो कार्बन है वो 6 है बट यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये क्या रहेगा? 12। अब कार्बन तो 12 हो जाते हैं बट ऑक्सीजन क्या हो गई? 12 और प्लस 6 18 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 6 तो है अपने पास, 6 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 18 कार्बन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइड्रोजन एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल उनके पास होता है जो हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन वहां पे रिलीज होती है। तो ये क्या प्रोसेस हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे किए हैं, उनमें से भी कोई एग्जाम्पल हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होगी उसमें हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना है, इसमें होगा एडिशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यदि ऐसा होता है किसी रिएक्शन के अंदर तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तब हम कहेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल लिया था हमने कि अभी ग्लूकोज वाला भी लिया है, उसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वहां ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जहां ऑक्सीजन ऐड होगी वहां पर हम मान लेंगे कि ऑक्सीडेशन होगा। फॉर एग्जांपल अपने पास देखो आयरन प्लस ओ टू हम यदि मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 बन गया अपने पास। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। मैग्नीशियम प्लस O2 आ गया तो क्या बनेगा? MgO बन जाएगा। ये भी एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। उसके बाद में जो सेकेंड टाइप होगा वो हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिडक्शन। जो रिडक्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या होगा? अपने पास मान लीजिए कि कोई जिंक एक मेटल है जिसके अंदर हमने डाल दिया H2SO4 जो होगा इसमें
ये एक एग्जांपल जो है हमारे पास रिडक्शन की बजाय ऑक्सीडेशन का ही हो गया, तो जिसमें हाइड्रोजन गैस ऐड होगी, हाइड्रोजन जिसके अंदर ऐड होगी वो वाला एग्जांपल हमें लेना है जो रिडक्शन का एग्जांपल रहेगा। जो अभी हमने राइट किया था वो ऑक्सीडेशन का ही बन जाता है, रिडक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है। ऑक्सीजन ऐड जैसे अपने पास है कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हमने वाटर डाल दिया, तो जैसे ही हम इसमें वाटर कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये एक रिडक्शन का एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीजन यहाँ से देखो बाहर निकल रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो ये अपने पास प्रोसेस रहेगा रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में थे, 4 बेसिक टाइप्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद में कुछ फर्दर टाइप्स भी हमने आज डिस्कस किए हैं। इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक रहेंगे वो है रैंसिडिटी एंड कोरोजन, उसको हम वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट इज रैंसिडिटी एंड व्हाट आर कोरोजन। रैंसिडिटी, जो खाना हम बनाते हैं यदि वो खाना ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाए, यानी फूड इज मिक्स्ड विद ऑक्सीजन, देन फूड विल बी ऑक्सीडाइज। जब फूड ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो उसमें से क्या रिलीज होगी, हीट उसमें से रिलीज हो जाएगी, एनर्जी उसमें से रिलीज हो जाएगी। जब एनर्जी उसके अंदर है ही नहीं तो उस खाने को खाने का हमें फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, भी जो खाना हम खा रहे हैं यदि वो स्पॉयल हो गया है तो उसको बोलेंगे हम रेंसिडिटी। फैट की वजह से, ऑयल की वजह से, किसी भी तरीके से ये खाना खराब हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो उनको हम कहेंगे भी उसको खाना जो है वो खराब करने का एक प्रोसेस हो गया, वो उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। तो कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें हम राइट करेंगे नाइट्रोजन, यूज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फूड को प्रिजर्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो चिप्स के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट आते हैं, उसके अंदर जो गैस फिल की जाती है वो नाइट्रोजन है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो रहेगा। सेकेंड हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया, ये गैस यूज की जाती है जो पेप्सी वगैरह आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो आते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल की जाती है जो उसको सेफ रखती है। उसके बाद में हम थर्ड जो पॉइंट बनाएंगे इसके लिए, दैट इज ऑयल। अचार, मुरब्बा, पिकल जो होता है उसके अंदर ऑयल की अधिकता होती है, उसमें ऑयल ज्यादा क्यों डाला जाता है, ताकि उसको सेफ रखा जा सके। उसके बाद में जो कॉमन सॉल्ट है, दैट इज NaCl, उसका इस्तेमाल भी सेव करने के लिए किया जा सकता है। किसको सेव करेंगे, फिश, जो मछली होती है उस मछली को यदि हम जो साधारण नमक है हमारे घर पर उसके अंदर यदि उसको रख दिया जाए तो उसको सेफ रखा जा सकता है कुछ समय के लिए। उसके बाद में हम जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर हम यदि यूज करें तब भी उस खाने को सेफ रखा जा सकता है, जिसमें हवा नहीं जाती हो तो उसको सेफ रख सकते हैं। उसके बाद हम फ्रीजिंग कर सकते हैं, उसको फ्रीज में रख सकते हैं, टेम्परेचर उसका डिक्रीज हुआ तो। उसके बाद में नंबर 7 जो है हम कैनिंग कर सकते हैं, यानी उसको उबाल करके, या उसको बॉइलिंग भी बोल सकते हो आप, कैनिंग या बॉइलिंग उसका किया जा सकता है। एक मेथड जो हमारे एक साइंटिस्ट में है, पोस्चर जिनको बोला जाता है, और उनका जो मेथड है उसको बोलते हैं पोस्चराइजेशन। तो मिल्क जो होता है उसको
पोस्चराइज किया जाता है, पोस्चराइज जो मिल्क है वो काफी समय तक सेफ रखा जाता है। ये सब जो मेथड है वो सभी इसी के लिए होते हैं, प्रिवेंशन यानी रेंसिडिटी जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे इस चैप्टर का, दैट इज कोरोजन। कोरोजन जो होता है यानी संक्षारण, जंग लगना वगैरह जो है। आयरन यदि है अपने पास और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मॉइस्चर वहां पर है तो वो क्या बनाएगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में Fe2O3.10H2O ये बनेगा, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ये हो गया जंग, जंग लगना जिसको बोलते हैं, ये कोरोजन बन गया। सभी मेटल्स इसी के ऐसे ही बनाते हैं, जैसे कॉपर है यदि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा, तो ये ग्रीन कलर का जंग जो है वो इसको लग जाता है, तो ये होगा कोरोजन। इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे हम, इसके प्रिवेंशन के जो मेथड है, सबसे पहले इसका मेथड रहेगा ऑयलिंग, यानी हम इसको इसके ऊपर ऑयल लगा दें। तेल लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं होगी, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं होगी तो जंग इसको नहीं लगेगा, क्योंकि क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए साथ में मॉइस्चर चाहिए तभी ये जंग लग सकता है, और ये दोनों ही कंडीशन इसे पूरी हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं पेंटिंग, पेंट कर सकते हैं, अप्लाई पेंट। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है दैट इज गैल्वेनाइजेशन, इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा ये। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके की जाती है, जिसमें जिंक की लेयर जो है वो आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर, जो आयरन की जो चीजें हैं उनके ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे उसको जंग नहीं लगता है। एक अपने पास एक ऐसी मेटल भी है जिसको हम एल्यूमिनियम बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये Al2O3 बनाएगा। Al2O3 जो है ना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के ऊपर बनने के बाद खुद ही प्रोटेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, एल्यूमिनियम को सिर्फ एक बार जंग लगता है उसके बाद में इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इसको स्वयं अपने आप ही इसको प्रोटेक्ट करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अलॉयिंग कर सकते हैं, अलॉयज बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं दो या दो से अधिक धातुओं को, तो अलॉयिंग करके भी कोरोजन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स रहे आज इस चैप्टर के, जो केमिकल रिएक्शन और एक इक्वेशन को हमने कंप्लीट किया। हमने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया था भी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बैलेंसिंग के और बहुत सारे क्वेश्चन हमने पार्ट बी में भी डिस्कस किए हैं, इसी वजह से फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैं। उसके बाद हमने सेकेंड जो पार्ट जो स्टार्ट किया उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया हमने, कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के भी एग्जांपल हमने लगभग 3-3 एग्जांपल सभी के हमने किए हैं, सिर्फ एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़ करके। उसके बाद में फर्दर डिवाइड हमने केमिकल इक्वेशंस को जो डिवाइड किया था उसके बारे में भी डिस्कस किया, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और अपने जीवन से जुड़े हुए हमने एग्जाम्पल लिए। उसके बाद में लास्ट में हमने डिस्कस किया फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और रैंसिडिटी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जाम्पल, एंड एट लास्ट रैंसिडिटी एंड कोरोजन, व्हाट इज रैंसिडिटी एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड एंड व्हाट इज कोरोजन एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। दैट्स इट, नाउ गुड बाय, थैंक यू।